कोरोना वायरस का लेटेस्ट अपडेट, कश्मीर घाटी से दो बुरी खबरें सामने आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि 5 और नए पॉजिटिव केसेस कश्मीर घाटी में सामने आए हैं, उनमें से 2 श्रीनगर के हैं, 2 बड़गाम के, 1 बारामूला का। और जो दूसरी बुरी खबर जो आप तक ऑलरेडी पहुंच भी चुकी होगी डिफरेंट डिफरेंट माध्यमों से, वो ये कि दूसरी डेथ कोरोना वायरस के कारण जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। वो दूसरी डेथ एक 55-year-old मैन जो कि बारामूला से थे, उनकी खुद की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सऊदी से आए हुए कपल से मिले थे। उसके बाद जब उन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज हुए तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, श्रीनगर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में वो आइसोलेशन में थे, और आज ही सुबह ये खबर आई है कि उनकी मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि उन्हें कोई लिवर एलिमेंट थी, लिवर में कोई बीमारी थी, उसके वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा, और 55-year-old वो थे कोरोना वायरस के कारण, आज सुबह उनकी मौत हो चुकी है, जो ऑफिशियली सेकेंड डेथ है कोरोना वायरस के कारण जम्मू कश्मीर में। दोनों डेथ्स जो अब तक हुई हैं वो कश्मीर घाटी में ही हुई हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि 5 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, 2 श्रीनगर से, 2 बड़गाम से और 1 बारामूला से। कल भी इसी तरह से 5 और केसेस कश्मीर घाटी से आए थे, 5 और केसेस आए थे, 2 श्रीनगर से और 3 जम्मू से। जम्मू में उधमपुर के इलाके से 3 पॉजिटिव केसेस आए थे, और उन पॉजिटिव केसेस के बारे में ये बताया जा रहा है कि जितने भी पॉजिटिव केसेस आए उन सबकी खुद की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बल्कि वो केवल उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आए थे जो लोग कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए थे। तो आप देख रहे हैं अभी तक टोटल केसेस जो जम्मू कश्मीर में हैं वो 38 पहुंच चुका है आंकड़ा, 38 टोटल पॉजिटिव कोरोना वायरस के केसेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस केवल 34 हैं, 34 केसेस एक्टिव हैं, 2 की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और 2 लोग रिकवर कर चुके हैं। तो एक अच्छी बात भी है कि 2 लोग ऑलरेडी रिकवर भी कर चुके हैं। एक जो पहले रिकवर किए थे कश्मीर घाटी से, उसके बारे में आपको मालूम होगा, कल ही जो मीडिया बुलेटिन आया उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि एक और पेशेंट है जो ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। 5 नए जो पॉजिटिव केसेस आए वो जब पिछले 28 केसेस से आप आंकड़ा जोड़ेंगे जो 2 श्रीनगर के और 3 उधमपुर के थे, तो टोटल 33 फिगर पहुंच चुका था। उसके बाद आज 5 और पॉजिटिव केसेस आए हैं, 2 श्रीनगर से, 2 बड़गाम से और 1 बारामूला से। टोटल फिगर जो हैं वो 38 पहुंच चुके हैं, जिनमें से एक की आज सुबह ही कश्मीर घाटी में मौत हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये फिगर्स बढ़ क्यों रहे हैं। आप लोग भी बड़े परेशान हो रहे होंगे, पैनिक कर रहे होंगे और अपने घरों में बैठकर सोच रहे होंगे, सिचुएशन तो और भी बदतर होते जा रही है अगर केसेस की संख्या बढ़ते जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने ट्वीट करके ये भी बताया कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में टोटल जितने भी लोग अंडर सर्वेलेंस है, उन सभी लोगों में से 10% लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। जब आप ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि टेस्टिंग के रिजल्ट भी ज़्यादा पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि 10% जितने भी लोग अंडर सर्वेलेंस हैं उनमें से 10% लोगों की टेस्टिंग हो रही है, और ये जो फिगर है 10% का, ये बाकी भारत में जितने भी स्टेट्स हैं कई स्टेट से काफ़ी ज़्यादा है। जब आप एग्रेसिवली टेस्टिंग करते हैं तो उसका नतीजा यही होता है कि अगर किसी को भी कोई भी COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया होगा जिसमें ये वायरस ट्रांसमिट हुआ होगा, उसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये केसेस की संख्या बढ़ना कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि एक तरीके से अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि अगर आपको पहले ही मालूम चल जाता है कितने लोग पॉजिटिव हैं तो आप उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप उन्हें बाकी लोगों को इन्फेक्ट करने से रोक सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन 5 लोगों को कल आइडेंटिफाई किया गया उनके बारे में बताया गया कि वो सभी एसिम्टोमैटिक थे, सभी के सभी एसिम्टोमैटिक थे। अगर उनकी टेस्टिंग नहीं हुई होती, अगर वो अपने घरों में होते, नॉर्मल होते, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होता। अब तक 2 हफ्ते तक पता ही नहीं चलता कि वो COVID-19 के लिए पॉजिटिव है। इसीलिए एग्रेसिव टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना कि WHO ने भी यही कहा, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए अभी तो कोई वैक्सीन नहीं है, इसका फिलहाल 2 ही इलाज है। एक इलाज है कि आप सेल्फ आइसोलेट करें और दूसरा इलाज है टेस्टिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। जितने ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जाएगा उतने ज्यादा फिगर सामने आएंगी, उतनी जल्दी ही इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकेगा। अगर आप देखें कि जो एक शख्स था जिसकी सऊदी अरब की ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो पहला कोरोना वायरस की डेथ जम्मू कश्मीर में हुआ, जो 65 साल का बुजुर्ग था, उसने जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट में वो आए
उन सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। उसी ने पहले 11 लोगों को इन्फेक्ट किया, उसके बाद एक उनके अपनी फैमिली के लोग भी थे जो उसमें इन्फेक्ट हुए थे। इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि टेस्टिंग करना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त भी आपको मालूम है कि क्वारंटीन फैसिलिटी में उन सभी लोगों को रखा गया है जिनके ऊपर ये शक है कि वो उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आए थे जिन लोगों की या तो ट्रैवल हिस्ट्री थी या जो लोग COVID-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए थे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने भी यही कहा है कि बढ़ते नंबर से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप नंबर्स को बढ़ते हुए देखकर घबराएं बिल्कुल नहीं, अग्रेसिव टेस्टिंग का नतीजा है ये। जब तक अग्रेसिव टेस्टिंग नहीं होगी तब तक मालूम नहीं चलेगा कि कितने लोग COVID-19 के लिए पॉजिटिव है। जब तक मालूम नहीं चलेगा तो चांसेस हैं कि वो और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिगर्स बता दूं कि अंडर ऑब्जर्वेशन अब तक 5,919 लोग हैं। जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है उनकी फिगर है 3,535। साथ ही में जिन लोगों को हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया है, आप ये ज़रूर समझें, जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो लोग केवल सस्पेक्ट केसेस होते हैं जिनके बारे में श्योर नहीं है कि इन्हें कोरोना वायरस है या नहीं है, उन्हें अंडर होम क्वारंटीन या अंडर होम सर्वेलेंस रखा जाता है। लेकिन जो लोग सिम्टम शो कर रहे हैं उन लोगों और जो हाई वायरल लोड केसेस हैं उन लोगों को हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया जाता है ताकि उन्हें साथ साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी उनका चलता रहे। तो 227 लोग इस वक्त हॉस्पिटल क्वारंटीन में हैं। जिन लोगों ने अपने सर्वेलेंस का पीरियड ख़त्म कर लिया है उनकी तादाद है 632। और साथ ही में जो लोग होम सर्वेलेंस में हैं उनका नंबर है 1,525। तो जितने अभी तक सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं वो भी मैं आपको फिगर बता दूँ, 532 टोटल सैंपल्स अभी तक कलेक्ट हुए, उसमें से 486 सैंपल्स नेगेटिव आए। और अभी तक मैंने आपको बता दिया कि 38 पॉजिटिव सैंपल्स आए थे जिनमें से एक्टिव केसेस 34 है। 5 नए केसेस सामने आए हैं कश्मीर घाटी से। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी आपको ये फिगर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक 979 फिगर पहुंच चुका है उन केसेस का जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है पूरे भारत में। उनमें से 25 लोगों की मौत अब तक कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। और साथ ही में जब हम बात करते हैं रिकवरी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग अब तक 86 लोग कोरोना वायरस से रिकवर भी कर चुके हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि जो फ्रेश डेथ्स हुई हैं, एक आज सुबह ही कश्मीर घाटी में हुई, उसके अलावा गुजरात में भी एक 45 ईयर ओल्ड मैन थे जिसकी डेथ कोरोना वायरस के कारण हुई। और उसके अलावा वर्ल्ड की भी पहली रॉयल कैजुअलिटी हुई है। रॉयल कैजुअलिटी से मेरा मतलब कि स्पेन की प्रिंसेस मारिया टेरेसा जो कि 86 साल की थी, उनकी डेथ भी कोरोना वायरस के कारण हुई है। टोटल जो डेथ टोल स्पेन में है वो 5,690 है। श्रीलंका में भी कोरोना वायरस के कारण पहली डेथ हो चुकी है, ये भी खबर मेरे पास आ रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि MP गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि सभी क्लासेस में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं 10th और 12th के अलावा, उन सभी के बिना एग्जाम लिए उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको मालूम है इस वक्त लॉकडाउन है और लॉकडाउन 14 तारीख तक है, उसके बाद भी मालूम नहीं है कि कब तक लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। इस समय तक जो बाकी क्लासेस हैं उनका सेशन खत्म हो चुका होता है, इसलिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जितने भी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर 10th एंड 12th क्लास, उन सबको बिना एग्जाम्स के नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। साथ ही में पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर ने डिसइंफेक्शन ड्राइव में हिस्सा लिया और दिल्ली के जो कुछ सरकारी स्कूल हैं उन्हें भी टेम्पररी शेल्टर होम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। कल दिल्ली की कई सारी वीडियोस वायरल हुई, आपने भी देखी कि कितने सारे माइग्रेंट वर्कर्स और लेबरर्स एक साथ बस स्टैंड पर पहुंच गए बसेस का इंतज़ार करने के लिए ताकि वो अपने अपने घरों में जा सके। लेकिन होम मिनिस्टर ने भी कल ये कह दिया कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जिन भी जगहों पर है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उनका ख्याल रखे। इसलिए आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्विटर पर भी ये कहा है, उन सभी लोगों से आग्रह किया है कि आप दिल्ली में ही रुकें, आप जहां पर हैं आपके लिए बंदोबस्त कर दिया जाएगा, आप भीड़ का हिस्सा ना बने, इकट्ठा ना हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वाइड फिगर जो है कोरोना वायरस का वो इस वक्त 6.5 लाख क्रॉस कर चुका है। टोटल जो फिगर है 6,64,746 है। डेथ्स जो हैं अभी तक कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड वाइड 30,892 डेथ्स हो चुकी हैं। और जितने लोग रिकवर किए हैं, रिकवरी की फिगर जरूर ध्यान से सुने, 1,42,429 लोग कोरोना वायरस से ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं।
डेथ टोल जो है बढ़ता नजर आ रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि आपको आपको देखने को मिलेगा कई जगहों पर कि अभी भी लोग जो हैं लॉकडाउन की वायलेशन भी कर रहे हैं, लोग जो हैं अभी भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो बदतर होते जा रहा है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, बहुत सारी कोशिशें की हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंश्योर करने के लिए कि जिन लोगों की भी ट्रैवल हिस्ट्री है उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जाए। उसके अलावा जो लोग उन लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग भी अग्रेसिवली जम्मू कश्मीर में चल रही है। अगर आपको भी कोई ऐसा शख्स मालूम है, ज़रूर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। एक्टिव केसेस की अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वाइड, तो एक्टिव केसेस 491,425 है, जिनमें से 95% लोग, ध्यान से सुने, 95% लोगों की माइल्ड कंडीशन है। यानी कि 466,195 ऐसे लोग हैं जिनकी माइल्ड कंडीशन है। जब हम कंट्री वाइज अगर डेटा देखें तो यूएसए में केसेस 123,776 इस वक्त पहुंच चुके हैं, 198 न्यू केसेस यूएसए में देखने को मिले, 8 न्यू डेथ्स यूएसए में हो चुकी है, तो टोटल जो डेथ का फिगर है वो 2,229 है, और जो लोग अब तक रिकवर कर चुके हैं उनका फिगर है 3,231। साथ ही में इटली में जो डेथ का फिगर है वो 10,000 क्रॉस कर चुका है। टोटल डेथ्स इटली में इस वक्त 10,023 हुई हैं और 92,472 टोटल केसेस इटली में हैं। टोटल लोग जो रिकवर कर चुके हैं वो ज़रूर सुने, 12,384 लोग ऐसे हैं जो इटली में रिकवर कर चुके हैं। और जहां हम बात करते हैं स्पेन की, क्योंकि स्पेन में भी इटली के बाद अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं पर पड़ा है तो स्पेन में पड़ा है। स्पेन की प्रिंसेस के बारे में भी मैंने आपको बताया कि पहली रॉयल्टी जिसकी कैजुअलिटी कोरोना वायरस के कारण हुई, उसके अलावा प्रिंस चार्ल्स के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है कि वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए थे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं कोरोना वायरस से, लेकिन ये बात ये दर्शाती है कि आप किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आप रॉयल्टी हो सकते हैं, आप बहुत अमीर हो सकते हैं, आप एक्टर हो सकते हैं, आप एक गरीब मजदूर हो सकते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। जो चीज़ें, जो प्रिकॉशंस एक आम आदमी को लेनी है वही उन्हें भी लेनी है जो एक हाई पोजीशन पे हैं, जो एलीट क्लास है, सब लोगों को सेम प्रिकॉशंस लेनी है। बस डिफरेंस इतना है कि जो एक गरीब माइग्रेंट वर्कर है उसकी खुद की तो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन वो जिस भी ऐसे शख्स के कॉन्टैक्ट में आएगा जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, या ऐसी किसी सरफेस को हाथ लगाएगा, जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर है, अगर आप कोई जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो उस टैक्सी में बैठा, टैक्सी के दरवाजे को हाथ लगाया, टैक्सी में छींक दिया उसने, तो उससे भी ये जो बीमारी है उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर में ट्रांसमिट हो सकती है, उस टैक्सी ड्राइवर से उसकी फैमिली में, उस वो जहाँ पर रहता है उस कॉलोनी में, और इस तरह से ये केसेस बढ़ते हैं। इसीलिए आप गरीब से गरीब हैं, अमीर से अमीर हैं, आपको वही प्रिकॉशंस लेनी है जो हर एक के लिए WHO कह रहा है। आपको 6 मीटर की दूरी लोगों से बनाकर रखनी है। अगर आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आपने अथॉरिटीज़ को अलर्ट करना है कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, और साथ ही में जितना हो सके अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें, हाथ धोते रहें। वर्ल्ड वाइड मैं आपको बता रही थी कि जर्मनी में भी 57,695 केसेस की तादाद पहुंच चुकी है और टोटल डेथ्स हुई हैं 433। साउथ कोरिया में 8 न्यू डेथ्स हुई हैं और 105 नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 2 नई डेथ्स हुई हैं, पाकिस्तान में एक और डेथ हुई है, थाईलैंड में एक डेथ हुई है, इंडिया में तो मैंने आपको ऑलरेडी इंडिया का फिगर बता ही दिया कि इंडिया में अब तक 25 डेथ्स कोरोना वायरस के कारण हो चुकी हैं, लेकिन सिल्वर लाइनिंग यह है कि 86 ऐसे लोग हैं जो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। साथ ही में और भी अपडेट्स अगर मेरे पास हैं, ईरान से जिन इंडियंस को शिफ्ट किया गया, जिन इंडियंस को इवैक्यूएट किया, उन्हें दिल्ली से जोधपुर ले जाया गया इंडिगो और स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट में। जर्मनी के जो टोटल केसेस हैं वो मैंने आपको बताया कि वो बढ़ते जा रहे हैं, और 60 लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR लगाई क्योंकि वो गुड्स के व्हीकल्स को छुपा कर बैठे हुए थे, तो उसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर की भी मैं अगर आपको बताऊं तो आपको मैंने बताया कि 600 व्हीकल्स और शॉप्स के खिलाफ अब तक 600 व्हीकल्स और शॉप्स को अब तक सीज कर लिया गया है। 329 लोगों के खिलाफ FIRs लगी हैं लॉकडाउन वायलेट करने के लिए। आप लोग ध्यान से ये बात सुने और माने कि लॉकडाउन इसीलिए अनाउंस किया गया है, इसीलिए इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि आप लोग सेफ रहें।
किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री है जरूर अथॉरिटीज को अलर्ट करें। अब तक बस इतना कि टोटल एक्टिव केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में 34 हैं, टोटल केसेस 38 हैं, 2 लोगों की डेथ कश्मीर घाटी में हो चुकी है और साथ ही में 2 लोग जो हैं वो रिकवर भी कर चुके हैं। 5 ही नए केसेस कश्मीर घाटी में देखने को मिले, 2 श्रीनगर से, 2 बड़गाम से, 1 बारामूला से। लेकिन इन बढ़ती फिगर को देखकर घबराए नहीं, परेशान मत हो, फिगर तभी बढ़ रही है क्योंकि टेस्टिंग हो रही है। जितने भी लोगों को क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा जा रहा है, पूरी ये इंश्योर किया जा रहा है कि वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। कल सांबा के विजयपुर इलाके से राधा स्वामी सत्संग क्वारंटीन फैसिलिटी उसे कन्वर्ट किया गया है उस पूरे आश्रम को, वहां से खबरें आ रही थी कि वहां पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। तो मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल दे दूं, एक थॉरो जो वीडियो स्टोरी है वो ऑलरेडी स्टेटलाइन के पेज पर है कि वहां पर जिन भी लोगों को रखा गया था वो लोग वो थे जिन्होंने लखनपुर क्रॉस किया। और आपको मालूम है इस वक्त इंटरस्टेट ऑपरेशंस बंद है, इसलिए अगर आप लखनपुर को क्रॉस करते हैं, जम्मू आने की कोशिश करते हैं, तो पहले आपको 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड फुलफिल करना है। उसी तरीके से अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपको मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड फुलफिल करना ही करना है। तो उन लोगों को उस क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा गया। लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कराई जा रही, खाने को भी कुछ हमें अच्छा नहीं मिल रहा, बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो ये किस तरह की क्वारंटीन फैसिलिटी है। तो मैं आपको बता दूं, हम जब वहां पर गए, हमने वहां पर अथॉरिटीज से बात की, जो पुलिस के कर्मचारी वहां पर थे उनसे भी बात की, और जो राधा स्वामी सत्संग आश्रम में काम करने वाले लोग थे उनसे भी हमने बात की। उन्होंने ये बताया कि जिस शेड के अंदर उन सभी लोगों को रखा गया है, उस शेड की कैपेसिटी 5 लाख लोगों की है। 5 लाख लोग उस शेड के नीचे बैठ सकते हैं आराम से, और अगर आप प्रॉपर 6 मीटर की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग भी कराएं तब भी लगभग 1 लाख लोग तो वहां पर रुक ही सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जो लोग इकट्ठे खुद बैठे हुए थे, वो ट्रैवल करके कहीं मुंबई से, चेन्नई से, किसी भी इलाके से, जब वो उन्हें क्वारंटीन किया गया तो 4-5 दोस्त आपस में बैठ गए, गप्पे मारना शुरू कर दी। वही उसी तरीके से अगर कोई फैमिली है वो भी इकट्ठे बैठे हैं, और पुलिस जब उन्हें दूर दूर करने को कहती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें साथ ही में बैठना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात है, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, आपको खुद सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, कोई आपको जबरदस्ती सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कराएगा। आप देखेंगे कहीं पर भी अगर आपको भीड़ नजर आती है, पुलिस वाले जरूर कहते हैं कि नहीं इकट्ठे मत खड़े हो, दूर दूर खड़े हो, लेकिन आखिर में खड़ा तो आपने खुद ही होना है, आपको खुद भी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। आप दवाई लेने जाते हैं, आप राशन की दुकानों पर जाते हैं, तो आपको खुद दूर दूर खड़ा होना है। ये जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ही सर्कल्स बनाए और बच्चों की तरह आपको डिसिप्लिन करे कि नहीं आप दूर दूर खड़े हों। अब मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से हर एक शख्स को बार बार बताया जा रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग है क्या। हमने कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स से भी बात की, फैक्ट्री वर्कर्स से भी बात की, उन लोगों तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि आपने एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है। तो आखिर आम लोग जब कोई सब्जी लेने जाता है, कोई दवाई लेने जाता है, कोई एसेंशियल चीज लेने भी जाता है, तो ये क्यों नहीं समझता कि वहां पर भी उसी तरीके से दूरी आपको बनाकर रखनी है। और साथ ही में जब आप कोई चीज खरीदते हैं, आप देखें कि आपका हाथ उस करेंसी नोट को लगता है, आप तब तक अपने चेहरे को हाथ ना लगाएं जब तक वापस आप घर जाके अपने हाथ धोए ना, क्योंकि जिस करेंसी नोट को भी आपने हाथ लगाया है आपको नहीं मालूम कि उसे किस किस के हाथ लगे हैं। इसीलिए अगर आप करेंसी को भी, पैसों को भी हाथ लगाते हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं, अपने चेहरे को तब तक हाथ ना लगाएं जब तक आप अपने हाथ अच्छे से धो ना लें। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग आप ही लोगों को करनी है, और साथ ही में जो लोग इस वक्त क्वारंटीन फैसिलिटी में है, सरकार जितने कदम उठा सकती है उन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज देने के वो उठा रही है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि क्वारंटीन फैसिलिटी में आपको 5-स्टार खाना मिलेगा, 5-स्टार सर्विस मिलेंगी, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कई लोग, ये खबरें भी आ रही हैं कि वो क्वारंटीन फैसिलिटी से भाग रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बाकी लोगों की जिंदगियों को जोखिम में डाल रहे हैं। आपने देखा कि अभी तक वही लोग फिलहाल पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं जो खुद तो कहीं नहीं गए थे, लेकिन उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आए थे जो लोग कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। इसलिए आपको नहीं मालूम कि शायद आप जिससे मिल रहे हैं वो खुद कहीं नहीं गया हो, लेकिन वो ऐसे किसी शख्स के कॉन्टैक्ट में आया हो जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, कोई ऐसे रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन का हिस्सा हो जहाँ पर कोई भी एक पर्सन कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था। आप आज के समय में नहीं जानते कि कौन कोविड-19 ट्रांसमिट कर रहा है,
इसीलिए अब अपने घरों में रहें, सरकार जो कर रही है उन्हें करने दें। जिन भी लोगों को अंडर सर्वेलेंस किया गया है, अगर उनमें से 10% लोगों की टेस्टिंग होती है तो आप सोचें अंडर सर्वेलेंस रहने वाले लोगों का फिगर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब नए पॉजिटिव केसेस आएंगे तो वो नए लोग ऐड हो जाएंगे सर्वेलेंस की लिस्ट में जिन लोगों से वो लोग मिले होंगे। एक 65 साल का बुजुर्ग जिन जिन लोगों से मिला जम्मू में, जिन जिन लोगों से मिला कश्मीर में, जिन जिन लोगों से मिला, उन सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा था। अब उनमें से जितने लोग पॉजिटिव होंगे उन लोगों के भी, जिन जिन लोगों से वो मिले होंगे उन्हें भी ढूंढा जाएगा। इसीलिए सर्वेलेंस की लिस्ट भी बढ़ेगी और जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका नंबर भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर 2 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई तो 2 लोग रिकवर भी किए हैं। जिन लोगों की मौत हुई वो वही लोग थे जिनकी ऑलरेडी कोई ना कोई अंडरलाइन कंडीशन थी। एज लॉन्ग एज यू रिमेन इन योर होम्स, आप अपने घरों में रहें, आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हेल्दी हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप बिल्कुल फिट है, फिर तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप घरों से बाहर निकल जाएं। आप फिर भी घरों में ही बैठे, लेकिन आपको अगर कोरोना वायरस हुआ भी होगा तो आप रिकवर कर जाएंगे। फिगर को बढ़ता हुआ देखकर पैनिक ना करें, डरें बिल्कुल भी ना, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें।